नौजवान साथी यहाँ पर हमारे साथ चल रहे कंधे से कंधे मिलाकर जिले के सभी नौजवान साथी नवयुवकगण गार्जियनगण एवं तमाम मंचासीन सभी नेता, सबसे पहले हम आप सबको नमस्कार और प्रणाम करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, भाई तेजस्वी यादव जी का एक संदेश लेकर आया हूं। हमें चुनावी सभा में लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है और आप सबका आशीर्वाद लेने आए हैं, स्नेह लेने आए हैं, प्यार लेने आए हैं। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं नवादा का बेटा हूँ, इस धरती पर जन्मा हूँ, इस धरती का नमक खाया है और इस धरती का नमक अदा करेंगे। क्योंकि जिस कार्य जो कार्यकाल हमारा रहा है, मैं मुखिया भी बनकर रहा पति पत्नी, तो क्या कार्य किया है नवादा में या किसी से छुपा हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि एक बार सर्वोच्च नवादा का विकास हो। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमें नवादा में किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, जो जाम की समस्या हो, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, हर शहर में किसी जगह पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, चीनी मिल बंद है, ना तो एक इंडस्ट्री है, और जो भी यहाँ के सांसद आए क्या किए यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमें हर पार्टी का, हर जाति का लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग पार्टियों का कहना था, उसमें हम भी समाहित थे, कि शुरू से ही कहना था, आज नहीं 3-4 वर्ष पूर्व से ही कहना था कि जो क्षेत्रीय नेता होगा, जो क्षेत्रीय बेटा को टिकट देगा, हम पूरे नवादा में एक एक वोट देने का काम करेंगे। हम भी कहते थे, और हम लोगों के जितने गठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हो या अन्य पार्टियां के लोग हैं, सभी लोग यही कहते थे। आज मुझे हर पार्टियां का स्नेह आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, इसलिए इस मन से सभी पार्टियां को, हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार को, महागठबंधन परिवार को दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप निश्चिंत रहे, मैं आपका बेटा भाई भतीजा बनकर काम करता रहूंगा और मैं कोई ऐसा ना काम नहीं करूंगा। आपको वचन देता हूं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसे जिले वासियों को सर्वन कुशवाहा के चलते सर झुकाना पड़े, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। आपके बीच रहूंगा, आपका बेटा बनकर रहूंगा, आपका भतीजा बनकर रहूंगा, मैं आपके बीच बैठूंगा, आपका जो समस्या होगी समाधान करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ बड़े भाई जिनके निर्देशन में हम चल रहे हैं, शक्ति सिंह यादव जी, नवादा ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश जानता है कि कैसे चरित्र का व्यवहार के व्यक्ति है। वो जब टीवी पर जाते हैं तो लोग सुनता है, मैं वैसे व्यक्ति के निर्देशन में काम करता हूँ। मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ, मैं टूटने वाला नहीं हूँ, मैं लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही हूँ, भाई तेजस्वी जी का सिपाही हूँ। आप सभी लोग जानते होंगे कि नॉमिनेशन में क्या हमारा नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट से वकील लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट से वकील लाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का टिकट कोई कैंसिल नहीं करा था। आज क्योंकि हमारे नेता को बोलना है, हमारे नेता को बोलना है, उनकी भाषा सुनना है, उनसे सना आशीर्वाद लेना है। हमारे साथ जिला परिषद भाई नीतीश राज जी है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हम दोनों का भाई भाई का रिश्ता था, लेकिन बीच में कुछ गलत फहमियां के कारण इधर उधर हो गए थे। आज बड़े भाई या छोटे भाई, भाई भाई नीतीश कुमार हमारे साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर हम सब आप सबका आशीर्वाद से, आप सबका प्यार से यहाँ से भाजपा को भगाएंगे। आपका बेटा और भाई भतीजा बनकर सांसद इस घर में रहेगा और आप सबका सेवा